मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी मंडल है ये, और वाराणसी मंडल का ये आशापुर है, ओवर ब्रिज बना है। और ये रेलवे ट्रैक पर मैं इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं, वो लोग उग्र हो गए हैं। तमाम जगहों से, तमाम जिलों से लोग इसी वाराणसी मंडल में लोग पहुंच रहे हैं। जो सरकार का जो अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है कि अग्निवीरों को अब भर्ती किया जाएगा, उनकी नौकरी 4 सालों तक रहेगी, 4 साल बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और कुछ लोगों को परमानेंट भी रखा जाएगा। इसके बाद वो लोग जो हैं, जो जिनको निकाला जाएगा, वो लोग और भी भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। तमाम सारी स्कीमें हैं उसमें, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन अलग अलग जिलों, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। और जहां हम बता दें आपको कि इसी यही वाराणसी मंडल है जहां से अच्छी खासी तादाद में युवा भर्ती में जाते हैं, यही बगल में गाजीपुर है, तमाम जिले के लड़के जो है भर्ती होकर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहें हम आर्मी भर्ती में, तो ये अगल बगल के जिलों के लोग भर्ती में जाते हैं जो युवा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये स्कीम लॉन्च हुई, भारत सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया कि अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, लड़के उग्र हो गए और तमाम जो वाराणसी हाईवे है उसे जाम कर दिया। जो आवागमन है वो थोड़ी देर तक ठप रहा। इसके बाद से हाथों में तिरंगा लेकर वो प्रदर्शन करने लगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी और किसी तरह से उनको डाइवर्ट करने में सफल रही, लेकिन वो रेलवे ट्रैक पकड़ लिए। अभी आप पीछे देख रहे होंगे तो उन्होंने पूरा ट्रेन को ब्लॉक कर दिया है, रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। और मेरा हेलमेट लगाने का ये मकसद है कि लोग यहाँ पर जो युवा हैं उग्र हैं इस समय और पत्थरबाजी करने लगे। काफ़ी तादाद में जो युवा हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, वहाँ पर उपस्थित है और वो कभी भी उनके पास जाने से, वो किसी को भी जाने से पत्थर वहाँ से फेंक रहे हैं वो लोग। उनको लग रहा है कि लोग पकड़ने आ रहे हैं, जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और अलाउंस भी कर रहा है कि अगर ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग अगर एकत्रित होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। सारा कुछ हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि इस समय मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी में ये उग्र प्रदर्शन है। और सोचने वाली बात है कि आखिरकार इन युवाओं को इतना उग्र होना